అలగ కీర్తి మన రామాయణం రామాయణం భక్తి వరే హే రామాయణం రామాయణం అరుంధతి दशरथ पुत्रों का गुरुकुलवास का समय आज समाप्त हो जाएगा। आज वे आश्रम छोड़कर चले जाएंगे, ये सोचकर मेरा मन बहुत दुखी है। अभी तक श्रीमन नारायण के स्वरूप श्री रामचंद्र के पैर हमारे आश्रम की धरती पर पड़े और इस स्थान को पवित्र बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री राम का गुरु बना। मेरे मन में तो श्री राम अवतार की पूजा की भावना है। मैं तो आश्रम में उनकी पूजा कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। अब मेरा भाग्य है कि मेरा स्थान उच्च हो गया। जिस दिन राम को देखा वो हमारे पुण्य भाग ही थे। ये भाग्य हमें अब तक मिला है, हम अवश्य भाग्यशाली हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है। अब तक ये चारों अपनी माता से अलग रहे हैं, परंतु मैंने माता बनकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा की है। ये मेरी पूजा का फल है। सभी लोगों के लिए सामान्य भोजन, परंतु मैं अपने मन में प्रसाद समझकर बनाती। उनके स्पर्श के साथ वो अमृत बन जाता, ये सोचकर मैं बहुत आनंदित हो रही हूँ। चक्रवर्ती कुमार जब यहाँ से चले जाएंगे तो ये भाग्य मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, सोचकर बहुत दुखी हो रही हूँ। देवी अरुंधति, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम्हारे साथ नारायण के अवतार रहे, इससे संतुष्ट रहो। तुम्हारी भक्ति से बनाए हुए प्रसाद को भगवान सदैव स्वीकार करते रहें, इसलिए तुम प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद श्री राम के नाम पर प्रसाद चढ़ा देना। जी स्वामी, ऐसा ही करूंगी। मेरे माता पिता का दायित्व निभाने वाले वशिष्ठ गुरुवर और अरुंधति माता को मैं हृदय से नमन करती हूँ। कौन? कंदिनी? हाँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से वानरलोक की कामधेनु की बराबर शक्ति पाकर वशिष्ठ के कामधेनु के रूप में लोग मुझे जानते हैं, वही मैं आपकी प्रिय बेटी हूँ। कामधेनु, तुम यहाँ कन्या के रूप में आई, इसका क्या कारण है? माते, आप दोनों को मैं भगवान के रूप में मानती हूँ, परंतु श्री राम के यहाँ आने से मुझसे मिलने वाला दूध श्री राम भी प्राशन कर रहे हैं, ये सोचकर मुझे आनंद हो रहा था। परंतु आज वो ये आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, ये बात मैंने आप दोनों के मुख से सुनी। ये सुनकर मैं भागी भागी आई हूँ। ये अवसर और ये आशीर्वाद मैं भी पाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे यही विनती करने आई हूँ। हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, बताओ? माते, प्रतिदिन आप श्री राम को एक निवाला चावल रखती हैं, उसके साथ इस कामधेनु का दूध भी एक लोटा रखिए, यही विनती करने आई हूँ मैं। तुम सिर्फ कामधेनु बन के नहीं आई, हम जो मांगे वो कृपा गावी रुचा की तरह है। तुम्हारी जो इच्छा है मैं अवश्य पूरी करूँगी बेटी। स्वामी, विश्वामित्र आए हैं लगता है। क्या विश्वामित्र आए हैं? मैं प्रस्थान करती हूँ। विश्वामित्र का नाम लेने से क्यों डर रही हो? पिताश्री, वो मुझे आपसे अलग करके अपने देश में ले जाने के लिए आपसे लड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, आपको ज्ञात है ना? पुत्री, जब वो कौशिक के राजा थे तब तुम्हारे कथनानुसार वो बहुत हठी हुआ करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध में उनकी हार हुई तो वो नहीं माने और तपस्या करने लगे। केवल मैं ही नहीं, तीनों लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के नाम से जानता है। आज वो इतने प्रसिद्ध हैं, इतने महान महर्षि से तुम भयभीत हो क्यों भला? पिताश्री, आप चाहे मुझे जितना भी समझाएं, परंतु मुझे उनका वो क्रोध भरा चेहरा ही नजर आता है, इसलिए आप उनका स्वागत करके बात कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ महामुनि,
आइए आइए महर्षि, ब्रह्म ऋषि को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ब्रह्मा के मानस पुत्र को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ आपके साथ अरुंधति देवी भी है। माता श्री प्रणाम। प्रणाम, पधारिए। वशिष्ठ जी, सप्त माता श्रीयों में से एक है अरुंधति माता श्री, और सप्त ऋषियों में एक है माने आप भी उदाहरण स्वरूप बनके हमेशा रहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वशिष्ठ जी, कुल शास्त्र संप्रदाय से चलने वाले इस जगत में ब्रह्म कुल में आगे रहे आप, और नीच कुल में जन्म लेकर आपने विवाह किया अरुंधति माता श्री से, एवं एक कुल बना के इस जगत के उदाहरण बनके उन्नति तंबती बनके जी रहे हैं आप। आप भी कोई कम नहीं हैं। आप तो जन्म से ही विशिष्ट हैं महर्षि, बुद्धि से उत्तम, सर्वगुण संपन्न, मनुष्य की उन्नति के साक्षात उदाहरण हैं आप। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर हम जैसे महर्षि की तरह तप करके ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की है आपने। विश्वामित्र जी, आप दोनों अपनी शक्ति दिखाने के लिए बार बार लड़े हैं, परंतु हृदय से एक दूसरे को समझने वाले मित्र बने हैं। ये सत्य जब विश्व समझ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। माता श्री, हम वाद विवाद करते हैं किंतु अपनी तपस्या भक्ति बताने के लिए नहीं, बल्कि हरिश्चंद्र त्रिशंकु जैसे महान और सत्य और विश्वास बना रहे, एवं ये बात संसार वालों को पता रहे। इसके लिए कल जब ये बात लोगों को पता चलेगी तभी उसके पश्चात संसार वाले समझेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी किस वाद विवाद के लिए पधारे हैं आप यहाँ? हम कोई झगड़ा करने यहाँ नहीं आए हैं। संसार के कल्याण के लिए हम लोग जो यज्ञ करते हैं और असुर आकर उसमें विघ्न डालते हैं, उससे हमारी रक्षा हो, इसके लिए मैं आपके अच्छे वीरों को ले जाने के लिए आया हूँ। त्रिसंग स्वर्ग को सृष्टि बनाने वाले को राक्षसों को खत्म करना कोई अशक्य नहीं है। मैं भी उन्हें मिटा सकता हूँ, परंतु जिन हाथों से पूजा की जाती है उनसे पाप नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है, किसके द्वारा किसकी मौत हो ये भगवान ने बनाई है, हमें इसे नहीं बदलना चाहिए। वशिष्ठ जी, बाहर जो तीर चलाने का अभ्यास कर रहे हैं वो बहुत प्रतिभाशाली लग रहे हैं, आपके शिष्य कौन है वशिष्ठ जी? ये चारों राजकुमार चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। आज इनके गुरुकुल वास का समय समाप्त हो रहा है। ऐसी बात है, मैं कल ही दशरथ जी से मिलूंगा, एवं जिस कार्य से यहां आया था उस विषय में मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। आप सभी का सर्व मंगल हो। राम राम। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रविकुल में जन्मे बहुत राजकुमारों ने इस आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। समुद्र में बहुत रत्न मिलते हैं, लेकिन उन सभी में मोती महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। उसी तरह भगवान की कृपा से यहाँ अवतारी महापुरुषों ने शिक्षा ली और सारे विद्यार्थियों से आगे बढ़कर वेद और
ज्ञान योग की शिक्षा ली, युद्ध कला, राजनीति की शिक्षा, ये सब कुछ ग्रहण करने के बाद इस आश्रम में एक योगी की तरह आप चारों रहे। आज आपके गुरुकुलवास का समय समाप्त हो रहा है। गुरुदेव, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, आपने जो दिखाया है उस सत्य मार्ग पर हम सदैव चलने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव, आपने जो हमें सिखाया, जो हमें शिक्षा दी, उसका हम सदैव सुमिरन करेंगे और आपका नाम उज्जवल करेंगे। गुरुदेव, मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मुझे आप और मेरे भ्राता हमेशा रास्ता दिखाए, ऐसी विनती करता हूँ। अरुंधति, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? स्वामी, आश्रमवास पूर्ण करके राजमहल जाने वाले इन अद्भुत बालकों से अलग हो रहे हैं, ये सोच के मेरा मन दुखी हो रहा। अरुंधति, तुमने अद्भुत बच्चों को जन्म दिया, परंतु वो विश्वामित्र के श्राप से समाप्त हो गए, तो भी तुमने आंसू नहीं बहाए, तुमने धैर्य नहीं खोया। इस आश्रम में उन बच्चों को तुमने बड़े प्यार से रखा और अब विदा कर रही हो, यही विधि का विधान है, इस बात से चिंतित मत हो। मैंने जन्म दिए बच्चों को खो दिया, ये सत्य है। आप सदैव कहते रहे कि जीवन अस्थिर है, वो आए और चले गए, ये सोचकर मैंने अपने मन को हमेशा के लिए शांत कर लिया था, परंतु ये बालक। हे माते, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? आपकी कृपा से तो हम राजमहल में ही रहेंगे। आपकी जब भी हमसे मिलने की इच्छा हो, हम आपके पास दौड़ कर चले आएंगे। माँ, हम भले ही महारानियों की संतान हैं, राजपुत्र हैं, किंतु अरुंधति माँ ने ही हमारे शैक्षिक काल में हमें स्नेह देकर पाला है। माताश्री, हम हमारे गुरुदेव के नाम के साथ आपका नाम भी सदैव पूजा करेंगे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। हाँ माताश्री। अरुंधति, देखा ना, इन बच्चों ने तुम्हें और मुझे दोनों को अपने हृदय में बसाया है। इन दिव्य बच्चों को मन से शुभकामना दो। ये वन लोक और धरती लोक में आपका नाम उज्जवल करेंगे। राम, भरत, चलो आओ चलते हैं। राम, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तक आपने अपना दूध देकर हमारा पालन किया, हम आपके उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। हमारा प्रणाम स्वीकार करें गो माता। महारानी कौसल्या, कौसल्या। मंथरा, क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो? महारानी, आज गुरुकुल वास खत्म करके हमारे पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों
राजमहल आ रहे हैं। हाँ, क्या कहा, हमारे पुत्र आज राजमहल में आ रहे हैं। ये समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ये समाचार सुन के आप आनंदी होकर यहाँ खड़े मत रहिए। हमारे पुत्रों के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर राजमहल द्वार पर आइए। मैं जाकर कैकेयी सुमित्रा को लेकर आती हूँ वहाँ पर। हाँ जाओ, देर मत कीजिए, शीघ्र आइए। वाह, देखो आ गए हमारे इच्छुआ वंश के राजकुमार लोग। देवियों, आप लोग इनकी आरती उतारिए। न्याय, सद्गुण, धर्मनिष्ठता, शासन सीख कर आए मेरे प्यारे पुत्रों को दीर्घायु का आशीर्वाद और मेरा ढेर सारा प्रेम। माताश्री। मेरे प्यारे पुत्रों, अयोध्या की कीर्ति आपके द्वारा तीनों लोकों में फैले। आप दीर्घायुषी हो, आपका जीवन आनंद से भर जाए, आप कीर्तिमान हो। माताश्री। मेरे प्रिय पुत्रों, आप चारों अयोध्या लौट आए हो। आप लोगों की कीर्ति घर घर पहुँचे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। माताश्री। राम, माता भोजन कराती है, पिता अच्छे संस्कार देते हैं, उनके सहयोग से तुम लोगों को शिक्षा देने वाला गुरु मैं हूँ। नियम के अनुसार अभी तक मैंने तुम लोगों को जो भी शिक्षा दी वो महाराज चक्रवर्ती दशरथ के सहयोग से। दशरथ। शत्रुघ्न। लक्ष्मण। पिताश्री। भरत। प्रणाम पिताश्री। राम, रामचंद्र। गुरुदेव वशिष्ठ जी। दशरथ,
आज से मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया। आज से अपने पुत्रों का ध्यान आप रखिए। आपके चारों पुत्र संसार में आपका नाम ऊंचा करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। गुरुदेव, आपको भी हमारे साथ ही रहना चाहिए। हाँ गुरुदेव। हाँ जी, गुरुजी। गुरुदेव, अवश्य ऐसा ही होगा। आइए गुरुदेव, आइए। अलग कीर्ति माने रामा,